यदि आप जो है पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा पैन कार्ड बनवाना चाहिए, कौन सा पैन कार्ड जो है देखने में अच्छा लगता है, वैसे आप कोई भी पैन कार्ड बनवाएं, काम तो इनका एक ही होता है। आप देख सकते हो आपके सामने हमने 3 पैन कार्ड रखे हुए हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट से बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हो पहला पैन कार्ड ये वाला है जो UTI की वेबसाइट से बना हुआ है। आप लोग देख सकते हो इसके पीछे का जो बैकसाइड है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है UTI ITSL जो कि UTI की वेबसाइट के द्वारा बना हुआ है। दूसरा पैन कार्ड आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से है जो कि NSDL की वेबसाइट से बना हुआ है। आप लोग देख सकते हो इनकम टैक्स सर्विस, जिसमें दोस्तों क्या होता है, एक तो UTI से बनता है जिसमें आपको सिग्नेचर तो अपलोड करना ही होता है, फ़ोटो भी, और जो हम NSDL की वेबसाइट से बनाते हैं उसमें भी दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। फिर दोस्तों ये पैन कार्ड आप लोग देख सकते हो जो कि हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से बनाया हुआ है। ये दोस्तों इंस्टेंट पैन कार्ड है, ये दोस्तों जो है 10 या 15 मिनट के अंदर आपका बनकर तैयार हो जाता है। आप लोग देख सकते हो ये इंस्टेंट पैन कार्ड का वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें जो है सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करते हैं NSDL की वेबसाइट से, वो वाला पैन कार्ड है, ये UTI वाला पैन कार्ड है। आप लोग इन तीनों पैन कार्ड को देख सकते हो। अब हम इनके जो है आगे के तरफ देख लेते हैं कि आगे से जो है देखने में कैसे लगते हैं। आप देख सकते हो जो ये पैन कार्ड है वो UTI की वेबसाइट द्वारा बनाया गया है। कुछ इस तरीके से इसमें जो है लिखा रहता है आयकर विभाग भारत सरकार, और आपकी जो है पैन कार्ड नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख और आपके हस्ताक्षर, और यहाँ पर ये जो है बारकोड होता है। आपने देख लिया कि UTI का जो पैन कार्ड है उसका जो है आगे से कुछ इस तरीके से दिखता है, बैक साइड कुछ इस तरीके से दिखता है, अभी आपने देखा था। अब हम जान लेते हैं जो हम इंस्टेंट पैन कार्ड बनाते हैं वो कैसा दिखता है, क्योंकि दोस्तों हमने इंस्टेंट पैन कार्ड को जो है घर पर मंगा लिया, ऑर्डर कर लिया था फिजिकल पैन कार्ड में। आप देख सकते हो कि जो ये वाला पैन कार्ड है वो इंस्टेंट बनाया हुआ पैन कार्ड है, ये जो 10 मिनट में बन जाता है, लेकिन जो हमने इसे PVC में जो है ऑर्डर किया था, फिजिकल पैन कार्ड में ऑर्डर किया था। आपको इसमें जो है क्या देखने को मिलेगा, इसमें आप देख सकते हो आपका इसमें आयकर विभाग भारत सरकार लिखा हुआ रहेगा, और आपका जो है इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब कि पैन नंबर लिखा हुआ होगा, आप लोग देख सकते हो नाम लिखा रहेगा। लेकिन इस वाले पैन कार्ड में जो इंस्टेंट पैन कार्ड होता है उसमें आपका पिता का नाम देखने को नहीं मिलेगा, और आपको जो इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई मिलेगी, और इसमें जो है यहाँ पर सिग्नेचर जो होते हैं यहाँ पर सिग्नेचर नहीं होते हैं, बल्कि कुछ इस तरीके की जो है यहाँ पर एक स्लिट सी चिपकी होती है, इसमें शायद सिग्नेचर करने होते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। आपको जो है कुछ इस तरीके से ये वाला पैन कार्ड देखने को मिल जाता है, इंस्टेंट पैन कार्ड। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके इसमें पिता का नाम नहीं होता और ना ही इसमें जो है सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आधार कार्ड में जो भी बायोडाटा होता है उससे हमारा इंस्टेंट पैन कार्ड बन जाता है। जो आधार कार्ड में फ़ोटो होती है वो फ़ोटो इस पैन कार्ड में भी आ जाती है, आप लोग देख सकते हो। ये वाला जो आप लोग पैन कार्ड देख रहे हो, ये जो हमने बनवाया हुआ था बाहर से जनसेवा केंद्र से, आप लोग देख सकते हो ये हमारा ही पैन कार्ड है, ये जो हमने NSDL की वेबसाइट से बना हुआ था। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पैन नंबर देखने को मिल जाएगा, आपका नाम देखने को मिलेगा, पिता का नाम देखने को मिलेगा, जन्म तारीख देखने को मिलेगी, आपके जो है हस्ताक्षर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर ये स्कैनर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो NSDL की वेबसाइट के द्वारा बनाया हुआ पैन कार्ड है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। UTI की वेबसाइट के द्वारा बनाया हुआ पैन कार्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, इसका जो आगे वाला सरफेस होता है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और पीछे वाला आपने अभी देख ही लिया है। अब इंस्टेंट वाला पैन कार्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आपको इनमें से कौन सा पैन कार्ड अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कौन से पैन कार्ड को बनाना चाहेंगे, स्टेंट पैन कार्ड या NSDL से या UTI से। दोस्तों आप कोई सा भी पैन कार्ड बनाएं, तीनों के तीनों जो पैन कार्ड हैं मतलब 3 तरीके से जो पैन कार्ड बनते हैं उनका सभी का काम एक ही होता है। इसमें एक ये हमारा एक पिता का, और एक जो है हमारे पिताजी का, और एक जो है हमारे भाई का इसमें पैन कार्ड है। कुछ इस तरीके से तीनों पैन कार्ड बने हुए हैं, तीनों पैन कार्ड हैं, तो तीनों एक ही तरीके से जो है काम करते हैं। आपका कौन सा पैन कार्ड बनाना चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा।